बिहार के जाति आधारित गणना पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टल गई है। याचिका में पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, यानी 14 अगस्त तक जातीय गणना पर सस्पेंस बरकरार रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दोनों पक्षों को सुने बिना कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता। 14 अगस्त को दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे और कयास है कि दोनों पक्षों को जिरह करने का भी मौका मिल सकता है। बिहार में जातीय गणना पर सस्पेंस, सुनवाई टली, गणना पर ग्रहण बरकरार, सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को जाति पर जिरह। बिहार में जातीय गणना पर सस्पेंस बरकरार है। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद जातीय गणना का काम तेजी से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, एक बार फिर से जातीय गणना पर ग्रहण लग गया। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित गणना पर सुनवाई थी, जो टल गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने नई तारीख निर्धारित की है, 14 अगस्त को जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में जिरह होगी। दरअसल जैसे ही दो जजों की बेंच के पास याचिका का नंबर आया, कोर्ट ने टिप्पणी कर सुनवाई टाल दी। कहा, बिना पक्षकारों को सुने कैसे गिनती जारी रखने का आदेश दे सकते हैं? अर्जेंसी क्या है? 80% काम हो गया है तो 90% हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? हम सभी पक्षों को सुनने के बाद ही ऐसा कोई आदेश दे सकते हैं। यानी बिहार में जातीय गणना पर ग्रहण छटा नहीं है, जिस पर महागठबंधन के नेता बिफरे हुए हैं, आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। किस तरह से इन लोगों ने हमेशा कहा है कि ये बिहार में जातीय गणना के पक्ष में हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इनके द्वारा संपोषित लोगों और संगठनों ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट से बिहार की सरकार को जीत मिली, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका पर सुनने से इनकार कर दिया। देखिए, माननीय न्यायालय के फैसले पर हमेशा भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति का भरोसा होता है। जातिगत जनगणना बिहार में अंतिम चरण में है, वो पोर्टल से अपलोड हो रहा है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को तिथि आगे की मिली है कि अब सुनवाई आगे होगी, तो माननीय न्यायालय जब भी फैसला करेंगे या वो करते हैं तो भारत के आवाम के हित की बात करते हैं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आज इस पर रोक लगाने से इनकार किया गया, ये स्वागत योग्य कदम है। और इससे जो हम जातीय गणना के माध्यम से लोगों को अधिकार देना चाहते हैं, हक देना चाहते हैं, उसके प्रति हमारा जो सोच था उसको कहीं ना कहीं मोहर लगी है। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा, जिसके बाद जिरह होगी, जिस पर सबकी निगाहें हैं। दिल्ली से अरविंद और पटना से शिवम की रिपोर्ट। जातीय गणना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पहले से समर्थन में है। जब 2022 में जातीय गणना की बात हुई थी, बीजेपी के 16 मंत्री समर्थन में थे। आरजेडी वाले बताएं कि 15 साल में किसी को आरक्षण दिए हैं क्या? जातीय जनगणना का फैसला एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया था, आज एक साल हो गए, ये काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी समर्थन देने का काम किया था। जब 2022 में जातीय जनगणना की स्थापना की जा रही थी तो हम 16 मंत्री उसमें समर्थन कर रहे थे और वित्तीय बजट भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी के पास था, तो हम समर्थन कर रहे थे। और राजद वाले से पूछिए ना कि 15 साल में किसी को आरक्षण दिया क्या? और जातीय जनगणना भाजपा की एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया था, आज एक साल हो गए, ये काम पूरा क्यों नहीं हो रहा? एक ओर जातीय गणना पर सस्पेंस बरकरार है तो दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद तेजी से जातीय गणना का काम चल रहा है। नालंदा में युद्ध स्तर पर जातीय गणना पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अभी तक 80% काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है, जबकि अगस्त के तीसरे सप्ताह में 100% काम पूरा होने की संभावना है। जनगणना में लगे शिक्षकों ने बताया कि नालंदा जिले में जाति गणना का काम तेजी से चल रहा है। 500 कर्मी से ज्यादा लगे हुए और इस जाति जनगणना से ये
सरकार को पता चलेगी कि किस जाति की कितनी आबादी है और उनका जीवन स्तर किस प्रकार है, और इसमें वो नई नई योजनाएं लाकर उन लोगों को जीवन स्तर में सुधार लाने का काम करेंगे। इसीलिए सरकार ने जाति जनगणना कराने का लक्ष्य लिया है और उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और 4 मई को जाके है कि बंद हो गया था, जो हाईकोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद फिर जो है 2 तारीख से शुरू हुआ, 3 तारीख से 3, 4, 5 को कंप्लीट हो गया है, जिसमें ऑफलाइन का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा पूर्ण हो गया है, और आज से है ऑनलाइन का काम शुरू हुआ है। यहाँ रुकेंगे।